तो मैं दारू पीता हूँ, मैं मंजूर करता हूँ। यदि आप बोलते हो कि मैं यदि दारू पीता हूँ या गलत हूँ तो हम दारू बंद कर दी जाए, और यदि मैं पीता हूँ तो राजेश पूरा मेरी सरकार के पास जा रहा है, मेरे माध्यम से जा रहा है, मेरे माध्यम से नहीं, मेरे भाई लोग के माध्यम से जा रहा है। तो इसी आधार पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने पानी क्यों बेचा। शराब पीकर नशा नहीं चढ़ा तो गृह मंत्री से शिकायत करने पहुंच गया शराबी। बोला, सरकार को राजस्व देने वाले मेरे भाइयों के साथ धोखा हुआ। ये शायद पहला ऐसा शराबी होगा जो अपने अधिकार के लिए शासन और प्रशासन से लड़ने को तैयार हो गया। दरअसल ये अजब का मामला अजब गजब एमपी के उज्जैन जिले से आया है, जहां पर जब एक शराबी को शराब का नशा नहीं चढ़ा तो वो ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर आबकारी विभाग के साथ गृह मंत्री तक जा पहुंचा और बोला, मैं और मेरे भाई सरकार को पैसा कमवाते हैं, उनके साथ ये धोखा नहीं होना चाहिए। मैंने पत्र लिखा था गृह मंत्री को, क्योंकि राजस्व सारा आपका विभाग से आता है, तो मैंने ये कहा कि जो मैं जिस माध्यम से मेरे द्वारा कोई पैसा मेरा भी कमाई का यदि मेरे पीने के बाद जाता है तो मैं दारू पीता हूँ, मैं मंजूर करता हूँ। यदि आप बोलते हो कि मैं यदि दारू पीता हूँ या गलत हूँ तो हम दारू बंद कर दी जाए, और यदि मैं पीता हूँ तो राजेश पूरा मेरी सरकार के पास जा रहा है, मेरे माध्यम से जा रहा है, मेरे माध्यम से नहीं, मेरे भाई लोग के माध्यम से जा रहा है। तो इसी आधार पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपने पानी क्यों बेचा, पानी क्यों बेचा आपने? अब आप पानी बेच रहे हैं, आपने भाव गिरा के पानी बेचना चालू करा और हर दुकान के टुकड़े कर दिए, तीन दुकान इसकी, तीन दुकान उसकी, तीन दुकान उसकी, जो भी आपने करा मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भैया आपने ऐसा क्यों किया कि टुकड़े टुकड़े कर कर करके दुकानों के कि किसने 60 में बेचा है, किसने 70 में बेचा है, किसने 80 में बेचा, ऐसा नहीं होना। एक गरीब आदमी के लिए लड़ना चाहता हूँ मैं, और पहली बार मैं लड़ रहा हूँ और प्रशासन साथ देगा मेरा। मैं चाहता हूँ कि मीडिया से अनुरोध कर रहा हूँ कि मीडिया साथ देगा, चूँकि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, पानी बेच दिया आपने कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं आज आप आएँ, मैं कितना राशि दे रहा हूँ, आप आएँ, आप आएँ, मैं दिखा रहा हूँ। कब खरीदी थी और कब जो है? 7 अप्रैल को मैंने 2 क्वार्टर खरीदे थे, 7 अप्रैल को ये नोटिस दिया गया प्रीति जायसवाल को। क्या निकला उसमें? पानी था उसमें। पहले कैसे आती थी और मतलब बाद में अभी कब से? अब ये कंडीशन बन चुकी है कि भाव तो गिरा दिया आपने, लेकिन उसमें पानी डाल दिया आपने, और पानी नहीं डाल दिया, पूरा पानी दे दिया। ये क्वार्टर में आपके सामने बता रहा हूँ, इसमें पानी है, ये चैलेंज मैं कर रहा हूँ, आशंका है या चैलेंज है, लेकिन ये लेबोरेटरी में जाएगी, फोरम में केस लगा चुका हूँ मैं, कल परसों नोटिस पहुँचेगा लाइसेंसी को। भाई हमारे सामने जो क्वार्टर जो खरीदा गया है वो क्वार्टर हमारे सामने दिखाना चाहिए, उसके अनुसार हम जांच करते हैं। अभी तक आपके पास कोई शिकायत आई है? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई है। आपके पास अगर शिकायत आती है तो किस तरह की कार्रवाई आपके विभाग द्वारा की जाएगी? भाई शिकायत आने पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या दुकान सील भी की जाती है? इस तरह से मिलावट हो रही है, शराब का दुकानदार बेच रहा है तो भाई नियम के विरुद्ध जो होती है तो उसकी जाँच की जाती है। सर वो आरोप उसने जो शराबी ने जो है आरोप लगाया है कि उसने बिल भी मांगा था लेकिन सरकार के नियम के विरुद्ध जाकर दुकानदार ने बिल भी नहीं दिया है, उसको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे आप? बिल अभी उनके पास सत्यापित नहीं हुई होगी, जो ठेकेदार के पास उपलब्ध नहीं हो सकता है अभी, उसके लिए वो दिया जाएगा, बिल दिया जाएगा। लेकिन क्या नियम में है कि बिल देना तो अनिवार्य है कि नहीं है? बिल देना तो है अनिवार्य। आपका पूरा नाम बता दीजिए। MS भगत। शराब में मिलावट का केस जितना अनोखा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर भी है, क्योंकि अक्सर इस तरफ कोई न ध्यान देता है और न ही कोई कार्रवाई होती है। और अब जबकि एक शराबी शराब की जगह पानी बेचने का आरोप लगा रहा है तो इस पर जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए विशाल सिंह की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।